ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल गाजा संघर्ष के बीच कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्रों में नागरिकों के लिए मानवीय सहायता निधि में 1 करोड़ पौंड देने की घोषणा की है। साथ ही सुनक ने इस बात की पुष्टि की है कि इजराइल में 6 ब्रिटिश नागरिक मारे गए हैं और 10 लापता है। हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद को संबोधित करते हुए सुनक ने इजराइल और गाजा दोनों में हमास के कृत्यों की निंदा की और मानवीय संगठनों को तुरंत जीवन रक्षक सहायता पहुंचाने की अनुमति देने का आह्वान किया है। सुनक ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास के हमले को पोग्रोम करार दिया। The attacks in Israel last weekend shocked the world. Over 1,400 people murdered one by one, over 3,500 wounded, almost 200 taken hostage. The elderly, men, women, children, babes in arms. Murdered, mutilated, burned alive. We stand with you. We stand with Israel. The murdered and the missing come from over 30 countries, including the United Kingdom. The terrible nature of these attacks means it is proving difficult to identify many of the deceased. But with a heavy heart, I can inform the House that at least 6 British citizens were killed. A further 10 are missing, some of whom are feared to be among the dead. We are working with Israel to establish the facts as quickly as possible, and we are supporting the families who are suffering unimaginable pain. ऋषि सुनक ने संसद को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले सप्ताह इजराइल पर हुए हमले ने दुनिया को झकझोर कर रख दिया। इस युद्ध में 1,400 से अधिक लोग मारे गए हैं, इसके अलावा 3,500 से अधिक घायल हुए हैं और लगभग 200 लोगों को बंधक बना लिया गया है। इसके साथ ही सुनक ने कहा, आगे की घुसपैठ को रोकने और लंबी अवधि के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इजराइल के अधिकार का समर्थन करना चाहिए। सुनक ने इस बात पर भी जोर दिया कि फिलिस्तीनी लोग भी हमास के शिकार हैं, हमें फिलिस्तीनी लोगों का भी समर्थन करना चाहिए।